भगवान भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत इस बार काफी संयोग से सोमवार को पड़ने जा रहा है। सोमवार का दिन और भगवान भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत एक साथ होने पर काफी बेहद फलदायी माना जा रहा है। इसको लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने कहा कि ऐसे स्थिति में प्रदोष व्रत करना बेहद ही शुभ होता है और ऐसे व्रत करने से घर वालों के सुख समृद्धि और शुभ फल प्राप्ति हो सकती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है और दीपदान का महत्व को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। प्रदोष व्रत हर माह के जो दो एकादशी पड़ती है उनके ठीक दूसरे या तीसरे दिन को हम प्रदोष व्रत मनाते हैं। यह त्रयोदशी तिथि है जिस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना की जाती है। यह वार के अनुसार इनका नाम भी विशेष अलग से पड़ता है। जैसे रविवार को प्रदोष व्रत पड़ा तो रवि प्रदोष कहते हैं, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष कही जाती है और इनका महत्व भी हमारे शास्त्र पुराणों में उनका उसी तरह से बताया गया है। इस बार एकादशी तिथि रविवार को और ठीक दूसरे दिन द्वादशी युक्त त्रयोदशी तिथि पड़ रही है जिसको हम सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं। सोम प्रदोष का पड़ना अपने आप में बहुत ही शुभ फल प्राप्ति वाला व्रत है क्योंकि सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ के निमित्त है और यह प्रदोष व्रत भी भगवान भोलेनाथ के लिए ही किया जाता है। इसलिए दिन और तिथि दोनों को मिलाकर के यदि हम इस व्रत को रखते हैं तो यह शुभ दिन बहुत ही लंबे समय बाद ऐसा हमको प्राप्त होता है। इसलिए सोम प्रदोष का व्रत जो है इस बार बहुत ही पुण्यदायी है जिसको हर व्यक्ति को अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहिए और इस व्रत को करने के लिए अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या के अनुसार संकल्प कर लें, फिर संकल्प के अनुसार अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के पूरे दिन पर्यंत इस व्रत को रखें, भगवान भोलेनाथ का यथाशक्ति अभिषेक करें और शाम के समय जो गोधूली बेला का समय होता है उसी समय को प्रदोष काल भी कही जाती है, इस समय भगवान भोलेनाथ के निमित्त दीप दान करना चाहिए। प्रदोष काल के समय हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश में प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस समय जो दीपदान की गई होती है वो सीधे उनको प्राप्त होता है, उसके अनुरूप हमको हमारी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है।